पाएंगे इस मुकाबले में? PDM में प्रेडिक्शन वैसा है, मुझे नहीं लगता उतनी काम आएगी, ये सिर्फ रैंडम गेसेस की तरह यहाँ पे रह जाएंगे। बट उसी के साथ दूसरी तरफ देखिए टीम हाइड्रा जी, मुझे लगता है कि उनकी गन पावर पे थोड़ा सा भरोसा किया जा सकता है। टीम एक्सपार्क को भी हम नकारेंगे नहीं, ड्रीम्स के सपने हाइड्रा वर्सेस टीम एक्सपार्क का यहाँ पर ये मुकाबला काफी ज्यादा शानदार रहने वाला है। बात करने देखा है मैक्स एक बार फिर से, वो जानते हैं कि वो इस समय ना जो एक लीड है एक अंकी कोना नहीं चाहते, और जब आप कोना नहीं चाहते राजा टीम हाइड्रा के प्लेयर जो आगे कमिट कर बैठे, जिसकी वजह से एक और अंक का जो इजाफा है वो करते नजर आए। बट चलिए ड्रीम्स को इस बार पनिश करा गया, और शायद जो है विंडवर्ड मैक्स को भी डाउन करा जा सकता है। और अब कुछ देखने को मिल रही है क्योंकि लगातार जो दो फिनिशेस वो कंसीड करे, बट वंस अगेन एक अंक की लीड, और ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लीकेटेड। अगर आप यहाँ पे बना लेते हैं तो आपके लिए फिर उसके बाद चीजें बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नजर आएगी। इतनी बड़ी लीड नहीं होती, बट अगर आप बहुत है कि लीड मेंटेन कर रहे हैं तो शायद वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी और आपकी ऑपोनेंट्स के ऊपर और बढ़ाती नजर आएगी इन टीम्स के बीच में। बटे 8-8 अब जो है ये खड़ा है, और अभी मैच देखने को मिल रहा है 6:55 के आसपास समय क्या है, और अब थोड़ा सा स्पोर्ट्स मैच खेलना पड़ेगा ड्रीम्स के लिए, मुश्किलें पड़ेगी। रीलोड पे था हावी देखने को मिला, और टीम हाइड्रा अटैक तो करना चाहती है लेकिन मुझे लगता है फिलहाल कई बार असमर्थ भी रहे। बहुत ज़्यादा सराउंड करनी पड़ेगी, 12-14 का स्कूल है देर पहले अगर आप देख रहे टीम में, ये देखना पड़ेगा। बट अभी के लिए ड्रीम्स कोशिश करेंगे और चीज़ आप कोशिश कीजिए रशद, क्योंकि मैच बहुत हाई स्कोरिंग नहीं है, ना ही बहुत एवरेज टीम करके चलता नजर आ रहा है। बिल्कुल ये गेम ना जब अच्छा खासा सेफ्टी क्वेश्चन है, मैं तो समझता हूँ कि अब ओपन में जाने की ज्यादा इनको जरूरत नहीं है, मौका चाहिए। एफएलटी कवर देने के लिए बिल्कुल तैयार है, फोकस ड्रीम का सागर के ऊपर, और वो आते क्षण ही डाउन करते नजर आएंगे। बट एफएलटी ने भी एक 1v1 में एक बार आप हमारे एडमिट करो, एक बार हम आपका जो फिनिश करते हैं, तो 5 अब खत्म कर देंगे, पता भी नहीं लगे। देखना पड़ेगा थोड़ा सा, थोड़ा सा सोच समझ के खेलना पड़ेगा यहाँ पे। गलती का आप कोई भी समय है वो शेष देखने को, तो ज़्यादा दिक्कत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगी नहीं। अगर आप खेलना चाहते हैं तो आपको लीड बनाए रखनी पड़ेगी, टीम हाइड्रा को वो लीड बनाए रखनी पड़ेगी। देखिए ड्रीम्स तो जाने जाते हैं अपने ओपोनेंट्स के जो ड्रीम्स को यहाँ पर जो है ड्रीम को यहाँ पर जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए छोर से ड्रीम परेशान करेंगे, और ये लीजिए दोनों तरफ से अटैक करा, बट उतना ही अच्छा रिफ्लेक्स, बहुत उमदा रिफ्लेक्स टीम हाइड्रा ने यहाँ पे जवाब, यहाँ पर आगे हैं लेकिन उसी पे डटे रहे अमल कर अपनी लीड को यहाँ पर बचाते नजर आए। बट चलिए अभी तो फिलहाल मैक्स को डाउन कर दी जगह, एफएलटी जो है प्रयास करें कि ड्रीम्स को भी फिनिश ऑफ करते नजर आए। बट ये लीजिए पीछे से अच्छा खासा डैमेज दिया जा रहा है, बट फाइनली स्टार बॉय खुद को बचा के रखना बहुत जरूरी है, बट देखने को मिल सकता है क्योंकि जिस तरीके से चीजें चल रही है एफएलटी की एचपी एक बार दोबारा से बहुत ज्यादा कम कर दी गई, और अब तो स्टार बॉय को भी वेल डाउन कर दिया जाएगा। फिर से एक नया ट्विस्ट इस गेम में अब देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ट्विस्ट बनता नजर आ रहा है। 17 सेकंड्स बचे हैं, क्या एक ड्रॉ होगा, क्या टाई होगा, मौका बन रहा है एफएलटी यहाँ पे अगर एक पॉइंट ले लेते हैं तो गेम को पलट सकते हैं 27-24, और ये लीजिए टीम हाइड्रा ने गेम को पलटा है, ये जीत अपने नाम मुकम्मल किया है और बहुत बेहतरीन।